मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई बातें। लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज के चारों ओर के स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। पॉइंट चार्ज के सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पर कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। अब इसी बात को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगा जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है? तो आप हम लोग बोलेंगे जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से प्रोड्यूस होते हैं एक्सीलरेशन। तो दो तरह से कह सकते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर्स करता है? तो बोल सकते हैं इट एक्सपीरियंसेस फोर्स और एक्सीलरेशन विल प्रोड्यूस इन इट। इसी सब बात को लेके हम लोग कुछ नोट में बनाए हैं, थोड़ा उसको देखा जाए। जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना है बराबर प्लस की हुई। इंटर करने वाला चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब होगा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर फील्ड अपवर्ड है तो फोर्स भी अपवर्ड होगा। ध्यान रहे चार्ज पार्टिकल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पर अल्फा, अल्फा पार्टिकल्स अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो अल्फा पर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, अल्फा पार्टिकल में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और यह फोर्स या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही होगा। दूसरा नोट में हमने यूज किया है, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक, जब कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करे, निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हुआ, बीटा पार्टिकल्स हुए, अगर ये सब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो फोर्स इस पर भी लगेगा बिकॉज चार्ज है। बराबर माइनस की हुई हमने लिखा, निगेटिव का मतलब हो गया निगेटिव साइन, शोज दैट फोर्स विल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा? तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगा। फील्ड अगर नॉर्थ है तो फोर्स लगेगा साउथ की ओर, फील्ड अगर ईस्ट की ओर है तो फोर्स लगेगा वेस्ट की ओर। निगेटिव पार्टिकल्स के तौर पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी यूज कर सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करने से फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा तो आपको आगे इसको 11th के मैकेनिक्स से जोड़ के सवाल बना सकते हैं। पूछेगा 2 सेकंड 4 सेकंड में कितना वेलोसिटी हो जाएगा, या 2 4 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इस सब को लेके थोड़ा फिर नोट नंबर 3 में लिखे, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा ए बराबर क्यू। मैग्नीट्यूड इसलिए, डायरेक्शन के लिए पहले डिस्कस कर चुके हैं, ए बराबर क्यू ही। एफ के जगह पर हम लोग फ्रॉम मैकेनिक्स से एम ए क्यू ही, इसे आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो क्यू ई बाय एम, वेयर ई इज अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, और कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा? तो के क्यू क्यू ई बाय एम, क्यों हो गया अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ई हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम हो गया मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये तो एक्सीलरेशन। या आपसे फिर पूछेगा 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लें फ्रॉम 11th से, जैसा कि पर इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन से, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो ए के जगह पर एक्सीलरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होगा उसको डालेंगे, वी बराबर यू प्लस की क्यू ई बाय एम इंटू टी। फिर पूछेगा अगर टी सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करे, सवाल मिलेगा 10 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो आप पर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर ए है, ए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका अमाउंट निकाल लेते, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए के जगह पर हम लोग यूज करेंगे कौन सी, क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। फिर पूछेगा वेलोसिटी निकाले 2 4 सेकंड के बाद,
दो चार सेकंड के बाद नहीं, दो चार सेकंड का टाइम रहेगा तो इसे यूज करेंगे। अगर दो 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 मीटर एक मीटर दस सेंटीमीटर बीस सेंटीमीटर चार्ज पार्टिकल चल रहा तो दस सेंटीमीटर या बीस सेंटीमीटर के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा उसके लिए फिर यूज करेंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस से, तो एक जगह पर क्यू बाय एम डाल देंगे। और ये सब तरह एब्रीविएशन जो यूज किए थे उसका फुल फॉर्म लिख के, ए हो गया एक्सीलरेशन, टी हो गया टाइम, एस हो गया डिस्टेंस कवर्ड, बी हो गया वेलोसिटी या प्रैक्टिस समय, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी। जनरली यू बराबर जीरो लें, मास एम हो गया मास ऑफ द पार्टिकल्स। इसी बातों को लेकर फिर बहुत जगह सवाल में रहेगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग कर रहा है लटक रहा है तो आप जानते हैं लटकेगा कोई चीज़ तो हर एक पार्टिकल में हर एक बॉडी में वेट होता है तो वेट किधर काम करता है नीचे की ओर, ये हैंग कर रहा है बिकॉज इसको हम हाथ से पकड़े हुए हैं, छोड़ देंगे तो क्या होगा नीचे गिरेगा, इसके कारण अपने वेट के कारण। और एक कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल हैंग कर रहा है लटक रहा है तो वेट डाउनवर्ड लगेगा, डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल इस बॉडी में चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर लगाना चाहिए तो वेट नीचे की ओर आ रहा है हैंग्स लटक रहा है, तो इसका मतलब जितना नीचे फोर्स उतना ही ऊपर, तो वेट कर रहा है नीचे की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स चलेगा किधर अपवर्ड, जिसके वजह से हैंग रहेगा। इस पर भी आप सवाल यूज कर सकते हैं। तो वही नोट में लिखा है चार्ज पार्टिकल हैंग्स इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो ये चार्ज पार्टिकल है जिसका मास कितना एम है तो वेट किधर डाउनवर्ड काम करेगा, और इसके अगल बगल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर लगेगा तभी तो हैंग्स करेगा नहीं तो गिर जाएगा। तो सवाल में करें हैंग्स कर रहा है तो यहाँ पर वेट बराबर क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ बराबर क्यू जानते हैं, एफ की जगह पर यहाँ यूज करेंगे एम जी, एम जी बराबर क्यू, चार्ज पार्टिकल में कितना चार्ज होगा इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं एम जी बाई, हो सकता है सवाल में इससे भी रहे तो चार्ज पार्टिकल हैंग्स कर रहा है तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा जो हैंग्स कर रहा है, तो आप पीछे पड़े ना क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, तो क्यू के जगह पर आप डाल सकते हैं एनी, एनी बराबर एम जी बाई ई, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव फ्रॉम द बॉडी, एम जी बाई ई, ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई जहाँ यूज करेंगे तो समझना है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ए बराबर वाला जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड या रिमूव भी हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसी को आधार बनाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूज किए हैं। इफ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स डायरेक्शन देन इट्स वेलोसिटी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर्स करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा बोथ नन क्या होगा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स इंटर करता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के तौर पर इलेक्ट्रॉन है जिसमें निगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट टू द फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसके कारण ये रिटार्डेशन होगा और रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा डिक्रीज। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया हम लोग, इफ अल्फा पार्टिकल इंटर्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स डायरेक्शन देन वेलोसिटी, अब इलेक्ट्रॉन की जगह पर अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर्स कर रहा है तो ध्यान रहे आपको इलेक्ट्रिक अल्फा पार्टिकल्स क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स है तो चाहे वैसे नेगेटिव हो या पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर्स करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, फोर्स लगने से रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, तो ये देखना पड़ता है जो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर फील्ड के अलोंग लगेगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और फील्ड के अपोजिट होगा तो रिटार्डेशन होगा। तो जैसा कि आपने फर्स्ट सवाल में देखा था इलेक्ट्रॉन है निगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगने के कारण उसमें रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन मीन्स हो गया वेलोसिटी डिक्रीज। यहाँ पर सवाल में क्या अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव के केस में तो यही होगा बराबर प्लस क्यू हमने लिखा है, यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल्स होगा तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन है, एक तो आप फील्ड के डायरेक्शन में इंटर कर रहे हैं आपके चलने का जो मोमेंटम है
आपके चलने का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, ऑब्वियसली स्पीड उसका वेलोसिटी उसका क्या होगा, बढ़ रहा है। साइकिल जा रहा है पीछे से आप उसी डायरेक्शन में धक्का देती है, तो आप देखते होंगे ना उसका वेलोसिटी क्या होता है, साइकिल का बढ़ जा रहा है, दौड़ रहा आगे जा रहा है, पीछे से उसी जिधर दौड़ रहा उसी डायरेक्शन में आप उसको पुश किए धक्का मारे, उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी तो उसका फील्ड के डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स भी लगेगा उसी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इसलिए वेलोसिटी इसके इसमें क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना है जो पार्टिकल इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव से। तो नेक्स्ट लिया इफ प्रोटॉन इंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टू परपेंडिकुलर, इफ प्रोटॉन इंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन देन इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन इंटर्स कर रहा है तो प्रोटॉन के पाथ कैसा होगा, ऑप्शन आपको दे सकता है, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, हाइपरबोल हो सकता है, ये आपको हल करना है। तो जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के तौर पर क्या प्रोटॉन है, तो सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या पॉजिटिव निगेटिव दिखाना है, और फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव, तो फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और सपोज करो यहाँ पर प्रोटोन है जो जिसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ही होगा, तो फील्ड है डाउनवर्ड और ये ऐसे जा रहा है तो परपेंडिकुलर हो, तो आप जानते हैं जैसे प्रोटोन इसके अंदर जाएगा फील्ड के अंदर जाएगा तो फिर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, तो एफ बराबर पॉजिटिव होने के कारण क्यू हुई, तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही तो फील्ड किधर है डाउनवर्ड, इसके ऊपर भी इनर्शिया के कारण ये स्टेप जाना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स किधर लेगा नीचे क्यों, तो पाथ इसका क्या होगा पैराबोलिक, इसलिए हमने क्या लिखा पैराबोलिक। हाँ लेकिन इसी में रहता है अगर चार्ज पार्टिकल्स फील्ड के अलोंग चल रहा है, फील्ड के अलोंग अब चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तब उसका ट्रेजेक्टरी क्या हो, जैसे फर्स्ट दो सवाल जो हमने यूज किया ये दोनों ऑब्जेक्टिव इसमें आपसे पूछा जाता है, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ बताइए, तो चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव अगर वो फील्ड के अलोंग इंटर कर रहा है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, अब परपेंडिकुलर जाएगा तो पैराबोलिक होगा। तो नेक्स्ट सवाल ये हमने चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 100 मिली, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम हैंग्स इन एयर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड, कैलकुलेट चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। सवाल करा कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ये एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल है तो वेट किधर काम करेगा, नीचे की ओर, और करा ये चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है अपवर्ड ऊपर की ओर, इसका वेट करेगा नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, चूंकि इसमें चार्ज पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है इसीलिए तो हैंग कर रहा है, अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर है, चार्ज पॉजिटिव है तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा, अगर चार्ज इसमें निगेटिव रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड तो फोर्स भी डाउनवर्ड, तो वेट भी डाउनवर्ड और फोर्स भी डाउनवर्ड, ये तो हैंग नहीं करेगा तो धराम से गिरेगा। ठीक लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग टू करा हर एक बॉडी का वेट किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और इसके चारों तरफ हैंग कर रहा है, डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स इसको ऊपर की ओर लटका है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ऊपर की ओर, इस पर फोर्स भी किधर लगेगा ऊपर की ओर होगा, इसलिए इस बॉडी में चार्ज कैसा होगा, चार्ज का अगर नेचर पूछा जाता तो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वेट नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है तो डेफिनेटली फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, और फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स हो इसके लिए बॉडी में चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने दिखाया फोटो में इसका वेट किधर काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, फील्ड है अपवर्ड की ओर, इस फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा अपवर्ड, चूंकि हैंग कर रहा है तो जितना अपवर्ड फोर्स लगेगा उतना ही डाउनवर्ड। सवाल में जो डाटा था उसको नोट किया, मास कितना 10 मिलीग्राम, मिलीग्राम को केजी में बदलना है तो 10^-6 से मल्टीप्लाई करना है, ये होगा 10^-5 के, याद रहे मिलीग्राम को केजी में बदलना हो तो 10^-6 से,
हर सवाल में ग्राम रहेगा तो केजी में बदलना है तो 10^-3 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलीग्राम 10×10^-6 केजी मल्टीप्लाई करके वो कितना 10^-5 केजी ये का मान जानते हैं कि दिया हुआ गिवन 100 न्यूटन पर कूलम बराबर क्यू आपके जगह पर क्या यूज करेंगे जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड एम जी क्यू जैसे आप क्यू निकाल सकते हैं एम जी बाई ई एम का वैल्यू डाला जी का भी 10 ले लो कट उठ कर कितना 10^-6 कूलम कहा जाए या फिर 1 माइक्रो कूलम भी कह सकते हैं थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखा जाए लिखा एन दो सवाल इसमें ए और बी दो फिगर है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2×10^4 वोल्ट पर मीटर ये क्वेश्चन है इफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड प्रोटॉन्स फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस कंपेयर टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस एज सोन इन फिगर दो केस दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड है एक केस में देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है आप फील्ड कितना डिस्टेंस में है मैंने फील्ड ये पॉजिटिव नीचे और निगेटिव ऊपर फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव पॉजिटिव से निगेटिव इस फील्ड से पास करता है फॉल्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ इतना इस फील्ड में ये फिगर ए में फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया और फील्ड बी में प्रोटॉन्स को तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा निगेटिव होने के कारण ए बराबर माइनस ई ये पहले भी जान चुके इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा फील्ड के अपोजिट तो फील्ड इसमें किधर है नीचे से ऊपर की ओर तो फोर्स किधर लगेगा ऊपर से नीचे की ओर तो कह रहा है ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस कवर करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा एक केस फिर फिगर नंबर टू में ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इस केस में क्या देख रहा है फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव नीचे की ओर फील्ड का डायरेक्शन और इस फील्ड में फॉल कर रहा है कौन चीज प्रोटॉन्स तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या कहेंगे बराबर ई प्रोटॉन पॉजिटिव होगा तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए फोर्स भी क्या होगा डाउनवर्ड यानी कि दोनों केस में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है इस फील्ड को पास करने में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस है दोनों फील्ड का कितना डिस्टेंस कवर करना है 1.5 सेंटीमीटर और फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दोनों केस में क्या सेम है तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा या प्रोटॉन को पास करने में वैसे बिना कलम चलाए आप देखना चाहें तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा और प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो जिसका मास ज़्यादा होगा स्पीड तो कम होगा ना स्पीड कम होगा तो टाइम उसमें क्या लगेगा ज़्यादा इन जनरल इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो मास कम होने के कारण चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास का अमाउंट सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों केस में सेम है तो दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स लगेंगे और फोर्स इक्वल लगेगा और फोर्स लगने से एक्सीलरेशन होगा आप जानते हैं जिसका मास कम होगा उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा यानी कि इसका स्पीड ज़्यादा होगा और स्पीड ज़्यादा होगा तो सेम डिस्टेंस के लिए प्रोटॉन का स्पीड कम होगा और इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा होने के कारण सेम डिस्टेंस दोनों केस में स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा तो इस केस में टाइम कम होंगे और इसमें टाइम ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव में रहता है किसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा और इलेक्ट्रॉन का टाइम कम लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ और आपको मैथमेटिकली निकालना जो इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा प्रोटॉन्स को कितना टाइम लगेगा पास करने में आप फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं तो फिगर फर्स्ट पर डिस्कस करते हैं फिगर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड फोर्स क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर अपवर्ड तो अब ये भी हमने जाना है जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा फील्ड के अपोजिट तो फील्ड का डायरेक्शन है अपवर्ड इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड तो हमने वही लिखा इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड फोर्स नीचे की ओर लगेगा और होगा कितना वही लिखा है ए बराबर माइनस मैग्नीट्यूड में ए बराबर ई फोर्स लगने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इसे इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकाल लिया हमने
एम बराबर ई, एफ के जगह पर एम ए बराबर ई, यहाँ से ए निकाल सकते हैं, ई ई बाय एम, ई क्या हो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बड़ा ई क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल थ्रू डिस्टेंस 1.5, ये डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो सबका वैल्यू लिख लिया, ई का अमाउंट इतना होगा बड़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2×10⁴ वोल्ट पर मीटर, और डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻², एक डिसिमल को हटाएंगे तो 15×10⁻³ मीटर लिखेंगे। इनिशियल स्पीड ले लेंगे जीरो, टाइम आप जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ मीटर का u जीरो हो गया, यहाँ से आप t निकाल सकते हैं, t बराबर कितना होगा √2s/2, और s a का वैल्यू अभी अभी निकाले e by m, e नीचे होगा m ऊपर जाएगा, अब सबका वैल्यू पुट करने का 2 इतना है, s का 15×10⁻³ मीटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1×10⁻³ kg, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो होता है 1.6×10⁻¹, और ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है सवाल में 2×10⁴। ये सब का कैलकुलेशन करने के बाद कितना टाइम आया 2.9×10⁻¹ सेकंड। ये तो इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर पास करने में कितना टाइम लगा, ये दूसरा सवाल है, उतना ही डिस्टेंस को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स है तो इसको पास करने में कितना टाइम लगेगा प्रोटॉन्स को, केस ऑफ प्रोटॉन यानी कि केस ऑफ फिगर भी प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड फोर्स, इलेक्ट्रॉन के केस में भी डाउनवर्ड ही लग रहा था क्योंकि फील्ड पहले से अपोजिट अपवर्ड था, इसके केस में क्या फील्ड है डाउनवर्ड, और प्रोटॉन पर फोर्स पॉजिटिव होने के, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होने के कारण फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसमें भी डाउनवर्ड, फोर्स कितना आ गया बराबर ही एम, यहां से एक्सीलरेशन निकाल लिए हम लोग ई ई सिंपलाइज एक्सीलरेशन निकाल लेंगे ई ई बाय एम, याद रहे ये प्रोटॉन है तो एम क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, एम मींस यहां मास ऑफ प्रोटॉन्स, टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस वे 1.5, टाइम का फार्मूला ये होगा √2s/a, यहां से निकाल लेते टी बराबर √2s/a, एस हो गया डिस्टेंस, ये हो गया एक्सीलरेशन, तो 2s a का वैल्यू डाला e by m था तो ऊपर चला गया, तो ओवरऑल फार्मूला ये हुआ t बराबर 2×s×m/ee, 2 का वैल्यू डाला, s हो गया डिस्टेंस सेम है 15×10⁻³, और यहाँ पर मास इस केस में था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास लिया, ये केस है प्रोटॉन का तो प्रोटॉन का मास 1.6×10⁻²⁷ kg, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सबको डिवाइड किया स्क्वायर रूट किया तो यह था टाइम कितना 1.3×10⁻⁷ सेकंड। तो देखा हमने इलेक्ट्रॉन का सेम डिस्टेंस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने में इतना टाइम लगा, और प्रोटॉन का 1.10⁻⁷। अब कंपेयर करेगा जिससे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का देगा कि किसका प्रोटॉन्स का, तो ऑब्वियसली दोनों देखने के बाद आपको क्या लगता है टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज मोर देन टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इस टाइप के सवाल को भी बना सकते हैं। तो अभी तक वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़े थे उसमें हम सिंगल चार्ज के कारण, किसके कारण सिंगल चार्ज के कारण कितना KQ/R², और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करा है पहले से वो किसके कारण सिंगल चार्ज के कारण, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को इंटर कराए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो सवाल में रहेगा डिस्टेंस का बार एक्सीलरेशन टाइम वेलोसिटी वगैरह सब रिक्वायर्ड करने के लिए, तो उससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स को हम लोग देखें। अब इसके आगे हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज के कारण निकाल चुके, हर एक चार्ज के चारों ओर स्पेस होगा उसका फील्ड निकालेगा। सपोज करें इस रूम के अंदर, इस क्लासरूम के अंदर 5 चार्ज पार्टिकल है, तो 5 के कारण रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो टोटल के वेक्टर सम के बराबर होगा फोर्स ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड का क्या कहना है। आप जैसा कि पहले से जानते हैं हर एक चार्ज के चारों ओर को इसको इसको फील्ड करते हैं, अगर इस क्लासरूम के अंदर 10 चार्ज पार्टिकल अलग अलग जगह पर हैं, तो इस रूम के अंदर 10 को इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितना होगा, तो 10 के वेक्टर सम के बराबर होगा,
दसों के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। अगर आप एक चार्ज के कारण फील्ड निकाल लिए तो दस के कारण भी निकाल सकते हैं, चार के कारण भी निकाल सकते हैं, दो के कारण। आप करेंगे कैसे, इंडिविजुअल अलग अलग चार्जों का कितना फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ये निकाल सकते हैं। सिंगल के कारण आप जानते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसी तरह अलग अलग है तो सबके लिए अलग अलग का डिस्टेंस अलग अलग होगा, चार्ज का भी अमाउंट अलग अलग है। सबका इंडिविजुअल निकाल लिए और फिर सबका क्या करेंगे, सिंपल जो अलजेब्रिक सम नहीं वेक्टर सम, वेक्टर सम तो आपको आता है जिसे दो फील्ड को जोड़ना होगा। तो वेक्टर सम से रिजल्टेंट फील्ड अगर ई होगा दो को जोड़ना है, एक फील्ड है ई वन दूसरे का ई टू, ई वन होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन का स्क्वायर, ई टू भी निकाल लेंगे के क्यू टू बाय आर टू का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह निकाल लेंगे इंडिविजुअल और सबका वेक्टर। तो मान ली दो ही फील्ड, दो ही चार्ज के कारण फील्ड है तो दो ही फील्ड होगा। तब तो डायरेक्ट कर देंगे रिजल्टेंट फील्ड ई बराबर रूट अंडर ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा। याद रहे वेक्टर सम जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड साथ साथ दोनों के बीच का एंगल्स को भी पकड़ेंगे। आप पहले इस तरह का बहुत डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको उतारें फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इट। एक सिंगल चार्ज के कारण के क्यू बाय आर, अगर सिस्टम में दो या दो से ज्यादा चार्जेज हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सभी चार्जों के कारण जो होगा उसके वेक्टर सम के बराबर। ये बात हमने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड कॉज्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेज। तो सिंगल चार्ज के कारण जो होगा सबका इंडिविजुअल निकाल लो और फिर सबका वेक्टर सम कर दीजिए तो नेट फील्ड निकल जाएगा। सपोज किया, सपोज करें यहाँ पर फील्ड निकालना है चार्ज क्यू वन क्यू टू डू सो ऑन क्यू एन तक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ चौथा यहाँ है क्यू एन यहाँ, और यहाँ पर फील्ड निकालना है पी पर। कहाँ पर निकालना है, पॉइंट पी पर। तो यहाँ से देखना इंडिविजुअल निकालने के लिए कितना के क्यू बार इस पर, तो क्यू वन चार्ज के कारण यहाँ फील्ड होगा। सपोज करो Q1 के कारण निकालेंगे तो यहाँ से Q1 का P पॉइंट से Q1 का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो सपोज करो डिस्टेंस R1, Q2 का डिस्टेंस कितना R2 और Q1 का R1, तो इसके कारण यहाँ फील्ड होगा कितना K Q1 बाय R1 का स्क्वायर। आप फील्ड का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा जहाँ फील्ड निकालना होगा अपने मन से क्या करते हैं, प्लस वन चार्ज रखें, यहाँ प्लस वन चार्ज अगर आप रखते हो तो ये सपोज करो पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा थर्ड वाट, अगर ये निगेटिव होगा तो इन्वर्ट होगा। वो तो सवाल के हिसाब से देखने का है। सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है और प्लस वन तो अपने मन से ही रखते डायरेक्शन निकालेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करें रिपेल, इसका डायरेक्शन इधर होगा, सिमिलरली इसका डायरेक्शन इधर होगा। वही हमने माना लेट ई वन यू टू डॉट 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 ई एन आर द फील्ड एट ए गिवन पॉइंट कॉज्ड बाय चार्जेस क्यू एन क्यू टू रेस्पेक्टिवली। तो नेट फील्ड एट पी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या होगा, वेक्टर सम E बराबर E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस EN तक होगा। आप जानते हो अगर E1 निकालना, E1 का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कितना K Q1 by R1 का स्क्वायर, इसी तरह E2 निकालना होगा तो K Q2 by R2 का स्क्वायर सो ऑन। EN फाइंड आउट करना है तो K Q N बाय आर एन का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर सम हुआ।
के तो कॉमन हो गया समेशन क्यू आई बाय आर आई का स्क्वायर, वायर आई इक्वल टू वन आई इक्वल टू एन सबके घटा सबसे तो निकालना के सिंगल का आपको निकालने आता है तो 10 पीस चार्ज के कारण आप आसानी से निकाल सकते हो। इंडिविजुअल निकालिए, सबका इंडिविजुअल निकाल निकाल के फिर सबका क्या करेंगे वेक्टर सम करें। तो ये कहना था प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिस्टम में दो या दो से अधिक चार्ज होगा तो फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए टॉपिक्स क्या बना फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, या फिर इसको पढ़ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फील्ड। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द चार्ज कॉज्ड बाय वेक्टर सम ऑफ द फील्ड कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्ज के कारण निकाल लेंगे और फिर सबका वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम करने में याद रखना जिस दो फील्ड को जोड़ेंगे उसके बीच का एंगल कितना बनेगा, इस पर ध्यान देना, फिर सवाल बनाएंगे। तो आज का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड केस खत्म हो गया, इस पर कुछ और न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उम्मीद रखते हैं कोरोना का जो एहतियात होना चाहिए वो आप लोग मेंटेन करते होंगे, हम भी करते हैं अपने तरफ से। अभी तो लॉकडाउन चलता रहेगा, इसलिए घर पर सुरक्षित रहें और खूब पढ़ें, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक।